हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको जे टेक्स्ट एरिया करके जो चीज़ होता है, या हम लोग कहें एक टेक्स्ट एरिया जो कि मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट का इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ आपको कैसे करना है, मतलब एक विंडो पे कैसे ऐड करना है, यूजर से इनपुट कैसे लेना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नेटबीन्स आईडी को ओपन करके रखा है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक जावा का प्रोजेक्ट बना के रखा है, उसमें मैंने जे फ्रेम फॉर्म यानी कि एक विंडो मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, एक लेबल को जो है अपने विंडो पर लगाते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके पैलेट वाले बॉक्स से लेबल को जो है मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा मैंने कि एंटर, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिख दिया कमेंट, लिख दिया मैंने कुछ और नहीं, सिर्फ कमेंट। और यहाँ पर जो कमेंट का जो फॉन्ट है उसको मैंने बोल्ड कर दिया। और उसके बाद क्योंकि जो कमेंट है वो मल्टीपल लाइन का इनपुट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया को लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैलेट पर जाइए, यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट एरिया करके एक आइटम मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए, कर्सर को वापस जो है इस पर वापस ले आइए विंडो पर, और फिर आप क्लिक करिए और आपका टेक्स्ट एरिया इस तरीके से बन जाएगा। इस टेक्स्ट एरिया को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, और छोटा रखना है तो आप छोटा रख सकते हैं, जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बटन लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर जो है राइट हैंड साइड में गए, स्विंग कंट्रोल से एक बटन लिया और हम लोगों ने यहाँ पे एक बटन लगा दिया। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है मैंने उसको चेंज कर दिया और यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसका नाम मैंने प्रोसेस रख दिया। अब मैं आपको जो है इसके, ये जो आपने जो टेक्स्ट एरिया लगाया तो इसके पीछे जो जावा का कोड होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो देखने के लिए आपको सोर्स वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप एक टेक्स्ट एरिया अपने विंडो पर लगाते हैं यानी कि जे फ्रेम पर लगाते हैं, तो क्या होता है, जावा जेडीके के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है स्विंग, उसके अंदर जे टेक्स्ट एरिया करके एक क्लास मौजूद है और उस क्लास से आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जे टेक्स्ट एरिया करके जो क्लास है उससे आपका जे टेक्स्ट एरिया करके जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपके इस वाले टेक्स्ट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, चेंज वेरिएबल नेम पर जाइए और जो नया नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। तो जब भी आप एक जे टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे तो इसका जो आप रीनेमिंग करेंगे ऑब्जेक्ट का रीनेमिंग, तो आप उसमें सबसे पहले टी ए लिखेंगे, उसके बाद इसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसे कि मैंने कहा टी ए कमेंट, इस तरीके से मैंने टी ए लिखा, कमेंट लिख दिया, फिर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ये काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि ये जो पूरा विंडो वो कैसा दिखाई देगा। वो आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा, आप कमेंट की जगह पर जो है मल्टीपल लाइन का कमेंट लिख सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जैसे ही आप प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें इनपुट मौजूद होगा वो यूज़र को आउटपुट में दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो है बटन के पीछे का कोड हम लोग लिख लेते हैं। ये लिखने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसेस वाले बटन पर डबल क्लिक करिए, इससे जो इस बटन का एक इवेंट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो जे टेक्स्ट एरिया है ऐसा तो नहीं है कि ये एम्प्टी है, यूजर ने जो इसके अंदर कुछ लिखा ही ना हो। तो ये चेक करने के लिए आपको एक इफ स्टेटमेंट का यूज करना होगा, आप इफ लिखिए, उसके बाद आपको जो जो टेक्स्ट एरिया करके जो चीज़ आपने लगाया है उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, जो कि है टी ए आपको लिखना है, कंट्रोल पर स्पेस बार दबाना है, अपने आप यहाँ पे नाम आ जाएगा, डॉट गेट टेक्स्ट वाला जो है मेथड उसे कॉल करिए। और मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट फील्ड जो हम लोगों ने यूज़ किया था इससे पहले वाले वीडियो में, जिस जिस तरीके से आप टेक्स्ट फील्ड पर जो वर्क करते बहुत हद तक जो है वैसा ही काम आपका टेक्स्ट एरिया पर भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर वही गेट टेक्स्ट वाला मेथड कॉल करेंगे, फिर जो है ट्रिम वाला मेथड कॉल कर लेंगे। ट्रिम वाला मेथड क्या करता है, ये चेक करता है कि किसी ने ऐसा तो इनपुट नहीं दिया कि केवल स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार करता चला गया, वहाँ पे कोई टेक्स्ट ना लिखा हो, तो ये भी चेक करता है, ये मतलब स्पेस बार को जो है जो ये जो वाइट स्पेस है वो सब हटा देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और फिर हम लोग इज एम्प्टी वाला मेथड को कॉल करेंगे। इसको इतने कोड से क्या होगा, ये हमको ये बताएगा कि अगर इसमें यूजर ने कोई भी इनपुट नहीं लिखा है तो ये जो है आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर यूजर ने जो है कुछ इनपुट दिया होगा तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये एम्प्टीनेस को चेक करेगा टेक्स्ट एरिया के। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाहर आ गया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, यूजर को हम जो है एक पॉपअप बॉक्स दिखाएंगे, इसके लिए जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग हम लोगों ने लिखा, फिर हम लोगों ने जो है जो हमारा जो जे फ्रेम है जो विंडो है उस वाली क्लास का नाम लिखा जो कि मेन यूआई है यहाँ पर, तो हम लोगों ने वो लिखा, डॉट लगाया, दिस लिखा, टैब दबाया, कौन सा मैसेज आपको यूजर को दिखाना है वो लिखना है, तो हम लोग लिखा कि एंटर एनी कमेंट,
तो एंटर हमें कमेंट हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद हम लोग टी ए लिखेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। डॉट लगाना है आपको, ग्रैब फोकस वाले फंक्शन को कॉल करना है। इससे क्या होगा, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिखाई देता है वो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। तो ये काम होता है, मतलब फोकस जो है आपके सीधे इस वाले टेक्स्ट एरिया पे पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न वाले कीवर्ड को लिख देंगे। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यूजर ने कोई भी इनपुट नहीं दिया तो ये वाला स्टेटमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा, पॉपअप बॉक्स आएगा, फिर आपका जो फोकस है वो सीधे टेक्स्ट एरिया पे पहुंच जाएगा और यहीं से जो है आपका जो प्रोग्राम है वो रिटर्न कर जाएगा, मतलब इसके आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये इफ स्टेटमेंट जो है मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, यूजर ने कुछ चीज़ इनपुट में दिया है तो हमें वो जो इनपुट में उसने दिया वो हमें आउटपुट में दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जे ऑप्शन पे लिख लेते हैं, सेम वही जो है एक पॉपअप बॉक्स बनाएंगे, शो मैसेज डायलॉग। इसके अंदर हम लोग जो जे फ्रेम जो क्लास उसका नाम लिखेंगे जो कि मेन यूआई है, डॉट लगाएंगे, दिस लिखेंगे और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इनपुट इस तरीके से। और फिर हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इसके यहाँ पे प्लस वाला सिंबल लगाना है, फिर आपको जो है टेक्स्ट एरिया के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसे एक्सेस करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो कि है टी ए कमेंट करके, वो लिखा, फिर आपने डॉट लगाया, गेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करिए और आपका जो टेक्स्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया और फिर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब हम लोग खाली है प्रोसेस वाले बटन को दबाएंगे तो लिख के आएगा एंटर एनी कमेंट। अब जैसे ही हम लोग जो है कुछ एंटर करें तो जैसे कि हम लोगों ने ये एंटर कर दिया इस तरीके से, ये मैंने जो है एंटर कर दिया इस तरीके से, थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए जो पॉपअप बॉक्स बन के आया उसमें टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी आपने इनपुट दिया था वो आपका आउटपुट में आ गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं तो ये जो नीचे का जो स्क्रॉल बार है वो बनता चला जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, मतलब आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखें और वो जो नया जब अब जब ये जो टेक्स्ट हो वो एकदम एंड पे पहुंच जाए तो वो टेक्स्ट अपने आप नई लाइन से आने लगे, मतलब स्क्रॉल बार जो चीज़ है ये ना दिखाई दे, इस फीचर को जो है कहा जाता है वर्ड रैप करना। वर्ड रैप वाला फीचर अगर आपको चाहिए टेक्स्ट एरिया पे तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने विंडो पर आएंगे, टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको लाइन रैप करके मिलेगा, उस पर आप टिक मार्क लगा देंगे, फिर आप क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो है टेक्स्ट आपका एंड वाले लाइन पर पहुंचेगा तो ये अपने आप नए लाइन पर इस तरीके से आ जा रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ करना कैसे ये मैंने आपको बता दिया, ये भी तो ये भी आपका काम हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो आपको टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से हम लोग टेक्स्ट एरिया में मौजूद टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए गेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए इस टेक्स्ट एरिया में कुछ टेक्स्ट जो है सेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पर ये करना होगा कि आप टेक्स्ट एरिया का जो ऑब्जेक्ट है उसका आप नाम लिखेंगे जो कि टी ए कमेंट करके है, तो हम लोगों ने ये लिखा, डॉट लगाएंगे, आप सेट टेक्स्ट वाले मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख देंगे, ये आपका जो है टेक्स्ट एरिया पे सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके, ये देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और आपका जो सेट टेक्स्ट वाला मेथड था वो कॉल हो गया और कुछ टेक्स्ट जो है अपने आप सेट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप टेक्स्ट ले सकते हैं और टेक्स्ट को सेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।